flying through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on and on we'll go. सो फ्रेंड्स, होम थिएटर की पूरी वायरिंग करने से पहले मैं सबसे पहले अपने कैबिनेट में अपना जो सबवूफर है वो फिक्स कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो मैंने कैबिनेट में अपने सबवूफर का होल बनाया है वो कैबिनेट के नीचे बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने अपने कैबिनेट में जो स्टैंड है, जिसे आप पैर भी कह सकते हैं, वो लगाए हैं। उसके साथ यहाँ पर मैं सबवूफर फिक्स करने वाला हूँ। सो गाइस, मैंने 1.75 इंची का एक सबवूफर लिया है, जिसका जो बेस है वो बहुत लाउड है। तो गाइस, चलिए इसको जल्दी से यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो सबवूफर है वो फिक्स कर लिया है कैबिनेट में। तो चलिए गाइस, आगे की वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं इस होम थिएटर में फिर से एक बार ये वाला बोर्ड यूज़ करने वाला हूं, जो कि 72/65 IC पे है और 2 20-30 IC लगी हुई हैं इस होम थिएटर बोर्ड में। सो गाइस, इसके साथ मैं 5 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर यूज़ करूंगा। गाइस, एक और बार मैं एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप इसमें 3 एम्पियर का भी यूज़ करेंगे तो वो भी चल जाएगा, बट अगर आप 5 एम्पियर का यूज़ करेंगे तो उससे आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस जगह हम अपना ट्रांसफार्मर फिक्स कर देते हैं इन दो स्क्रू की मदद से। सो गाइस, चलिए जल्दी से इसको फिक्स कर लेते हैं और आगे की वायरिंग मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में वायरिंग समझना है तो आप एक और वीडियो देख सकते हैं इसी बोर्ड से रिलेटेड, जो कि मैंने चैनल पर डाल रखी है। फ्रेंड्स, जो ये हमारे 12012 ट्रांसफार्मर के वायर हैं, जो कि मैंने जिग से कनेक्ट करे थे इसको बोर्ड की
12012 जिक मैं लगा देने, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने लगा दिए हैं, और ये जो बाकी सारी जिक है इसको भी अच्छे से कनेक्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो ये बेस वाली जिक है, यहाँ पर बेस की जगह आप देख सकते हैं जहाँ पर 7265 हमारी आईसी लगी हुई है, यहाँ पर हमारे बेस के वायर लगेंगे। तो यहाँ पर एक हमने अपनी जिक लगा दी है, और ये दूसरी जिक मैंने यहाँ पर अपने ट्विटर स्पीकर सैटेलाइट स्पीकर के लिए लगा दी है, और ये तीसरी जो जिक है ये मैंने यहाँ पर बेस की जो इनपुट है जहाँ पर बेस का इनपुट है वहाँ लगा दिया, और जो तीसरा है वो हमारे जो बोर्ड का इनपुट है जहाँ पर हमारे वॉल्यूम लगेगा वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो गाइस चलिए जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं बाकी बोर्ड की। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना एक रिबन वायर ले लिया है, और हमारे सैटेलाइट स्पीकर के कनेक्शन के लिए हमने ये वाला कनेक्टर ले लिया है, जो कि यहाँ पर अपने सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक यहाँ पर स्क्रू की मदद से मैं इस कनेक्टर को यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये स्विच को हम अपने यहाँ पर लगा देंगे जिससे कि हमारा जो होम थिएटर है वो ऑन ऑफ हो जाए। सो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, अपने सैटेलाइट जो स्पीकर के कनेक्शन है वो कर देते हैं जल्दी से। तो हमें रिबन वायर की मदद से अपने सैटेलाइट स्पीकर के कनेक्शन कर लेने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली जिक मैंने लगाई थी जो इसी में अपने कनेक्शन कर दूंगा मैं अपने से, जैसे कि आप देख सकते हैं जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स अब जो हमारे ट्रांसफार्म के कनेक्शन है वो यहाँ स्विच के साथ मैं कर देता हूँ, जहाँ पर हम डायरेक्ट 220 करंट देते हैं। ये हमारी मेन लीड है जिसको हमें स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। सो फ्रेंड्स अब हमें अपने ब्लूटूथ पैनल कनेक्शन बोर्ड के साथ कर देने हैं। तो गाइस मैंने एक MDF का ये टुकड़ा काट लिया था जिस पर मैं अपना ये ब्लूटूथ पैनल सेट करने वाला हूँ। तो गाइस चलिए इसको अच्छे से सेट करके और बाकी सब जो वायरिंग हमारी इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो गाइस चलिए यहाँ पर मैंने अपने दो
वॉल्यूम भी लगा लिए हैं, जो कि एक बेस का होने वाला है और एक मेन वॉल्यूम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओवरऑल मैंने फिटिंग करके जो भी हमारी लीड बची हैं वो अब मैंने अपने बोर्ड में लगा देनी है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वॉल्यूम और बेस की फिटिंग जल्दी से कर दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। इस बोर्ड पर मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर आप अच्छे से समझ लेना। फ्रेंड्स, जो ओवरऑल हमारी फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो वायरिंग है वो एकदम कंप्लीट है, देख सकते हैं आप अंदर से भी और बाहर देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर ये ब्लूटूथ पैनल और वॉल्यूम और बेस के कनेक्शन यहाँ पर इस तरीके से कर दिए हैं और एक नोब भी लगा दी है। सो गाइस, अब हम इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, जो हमारा बेस है वो यहाँ लगेगा और बंद करने से पहले मैंने यहाँ पर अपनी जो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक टेप लगा दी है जिससे कि जो बेस बनेगा हमारे बॉक्स के अंदर। तो वैसे चलिए अब इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं बंद करके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा कैबिनेट है वो बनकर एकदम तैयार हो गया है। सो गाइस, देख सकते हैं आप, मैंने इसे बंद कर दिया और यहाँ पर हमारे सैटेलाइट स्पीकर लगाने के लिए जो कनेक्टर है वो यहाँ पर हम अपने सैटेलाइट स्पीकर लगा सकते हैं और यहाँ पर ऑन ऑफ बटन है और ये हमारी मेन लीड है जो कि हमारी बोर्ड में लगेगी। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे से हमारा जो कैबिनेट का लुक है वो क्या आ रहा है। और मैं आपको सैटेलाइट स्पीकर भी दिखा देता हूँ। गाइज, मैंने एक गलती कर दी है वीडियो में, मैं जो अपने सैटेलाइट स्पीकर हैं उसकी वीडियो बनाना भूल गया था, क्योंकि गाइज जो वीडियो है वो मैं खुद अकेला बनाता हूँ, तो गाइज़ जल्दीबाजी में मेरे को ध्यान नहीं रहता, तो गाइज़ मैं आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, जो हमारे सैटेलाइट स्पीकर हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने जो इसमें वूफर यूज़ किया है 3 इंची और 8 ओम में स्पीकर यूज़ किया है जो कि 15+15 वाट का है। जो हमारा पूरा सैटेलाइट स्पीकर है वो हमारा 30 वाट का है। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ओवरऑल जो हमारी लुक है वो क्या आ रहा है हमारे सैटेलाइट स्पीकर का। ऐसे ही एक और है हमारे पास, फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, जो हमारे सैटेलाइट स्पीकर हैं वो इस तरीके से लग गए हैं। तो गाइस, चलिए जल्दी से इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम अपना साउंड टेस्ट करने वाले हैं और चलिए कोई भी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले कर देता हूँ मैं अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, चलिए मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है और गाइस कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस, चलिए आप सुन सकते हैं वॉइस जो हमारी क्या आ रही है और चलिए गाइस। तो फ्रेंड्स, चलिए वॉइस बढ़ाते हैं हम धीरे धीरे। Yeah.
Slams through the highways till my shadow turns to sun rays and वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे ही तरह ऐसे सिस्टम बनाना चाहते हैं और आपको सामान या इसके पार्ट्स की ज़रूरत है, जैसे कि ट्रांसफॉर्म प्लेट्स जो मैं इसमें यूज़ करता हूँ, तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूँगा मैं आपको। आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं और अगर आपको ये सिस्टम ख़रीदना है तो वो भी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।